जहां एक और कांग्रेस ने राजगढ़ कलेक्टर और एसडीएम को बधाई दी है, तो वहीं उनके शौर्य की तारीफों से सोशल मीडिया भी भर गया है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता राजगढ़ कलेक्टर और एसडीएम को आड़े हाथों लेने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे, को लेकर आज आंदोलन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की। इस मौके पर ब्यावरा में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी की चाल चरित्र और चेहरा सही है जो बद्रीलाल यादव ने कहा। बद्रीलाल यादव की आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ अभी तक कांग्रेस ने कुछ भी नहीं बोला है और न ही अपनी टिप्पणी का खंडन खुद बद्रीलाल ने किया है, उनकी पार्टी ने भी नहीं किया। आपको बता दें और सुनाते हैं कि आखिर पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव ने क्या कहा मंच से। इस तरह का बयान देना एक कद्दावर नेता के लिए तो कम से कम शोभनीय नहीं है। वह भी उस पार्टी का नेता जो अपने चाल चरित्र और चेहरे की दुहाई देती थकती नहीं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को तो प्रेम से दूध पिलाती है, गोद में बिठा के दूध पिलाती है, और भारतीय जनता पार्टियों के साथ चाटा मारती है, झंडा मारती है। ये बदले की भावना है। अरे ये कांग्रेस बीजेपी ये एक दो पात्र है, ये एक